चांद पर इतिहास रचने के बाद अब इसरो सूरज पर भी अपना परचम लहराने जा रहा है। जल्द ही आदित्य L1 मिशन को सूरज की स्टडी के लिए लॉन्च किया जाएगा। भारत ने अपने तीसरे चंद्रयान मिशन के जरिए इतिहास रचने का काम कर दिया है। चांद पर लैंडर मॉड्यूल की सफल लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। करोड़ों लोगों ने इस पल को लाइव अपनी आंखों से देखा। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के साइंटिस्ट और देश के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इसरो के आने वाले मिशन की भी जानकारी दी, जिसमें चांद के बाद अब सूरज की स्टडी की जाएगी। इसी बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आग उगलते सूरज पर कैसे इसरो अपने मिशन आदित्य L1 को अंजाम देगा। चांद को छूने के बाद अब इसरो सूरज पर फतेह करने की तैयारी कर रहा है। मिली खबर के अनुसार यह बताया जा रहा है कि इसरो इस मिशन को यानी कि आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च करने जा रहा है। इसमें इसरो सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करेगा, यानी इस मिशन के जरिए सूरज से निकलने वाली आग की लपटों पर रिसर्च की जाएगी। इसरो ने बताया कि सूरज पर होने वाले अलग अलग रिएक्शन के चलते अचानक ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, जिसका तमाम सैटेलाइट पर भी असर पड़ता है। अब सवाल यह है कि आग के लपटों से भरे सूरज के नजदीक कैसे किसी सैटेलाइट को फीड किया जा सकता है। इसका उत्तर भी सैटेलाइट के नाम में ही छिपा हुआ है। इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसमें आदित्य सूरज का दूसरा नाम है और L1 एक ऐसी कक्षा है जो सूरज और पृथ्वी के बीच की ऐसी दूरी होती है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण शून्य रहता है, यानी ना सूरज की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच सकती है ना तो पृथ्वी की। L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। ऐसे 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन L1 एक ऐसी जगह है जहां से सूरज को आसानी से स्टडी किया जा सकता है, जहां दोनों ग्रहों की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। इस पॉइंट की पृथ्वी से कुल दूरी करीब 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है। सैटेलाइट इस L1 कक्षा के आगे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इसे पार किया तो देखते ही देखते सूरज इसे निकल जाएगा। यानी इस पॉइंट पर रहकर आदित्य L1 सूरज की स्टडी करेगा। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 पेलोड के सूट, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रयास आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे जरूरी जानकारी देगा। आदित्य L1 में अलग अलग कुल 7 पेलोड होंगे जो सूरज से आने वाली किरणों की भी जांच करेंगे। इसमें हाई डेफिनेशन कैमरा भी लगे होंगे। 4 पेलोड सूरज की रिमोट सेंसिंग करेंगे और बाकी 3 NC2 ऑब्जर्वेशन का काम करेंगे। तो दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, जो कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, जिसमें इसे 127 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 मिशन भी सक्सेस हो और इसरो एक बार फिर से दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल यूर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।